तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो कि मैंने बहुत देर से वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मोटापा कैसे कम करें, वो भी घरेलू उपाय से। तो दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, जरा हमारी वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो तो हमारी वीडियो में जो कुछ बातें मैं बताता हूँ तो आप वो इम्पोर्टेंट बातें मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मोटापा क्या है, ये हमें क्यों आता है। तो दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के शरीर का वजन सामान्य हो जाए तो उसे मोटापा कहते हैं। आप कितनी कैलोरी रोज भोजन के रूप में लेते हैं जबकि आपका शरीर उतना खर्च नहीं कर पाता, तो शरीर अति फैट के रूप में जमा होने लगता है जिससे हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मोटापा करने की कम करने की घरेलू उपाय क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले 200 मिलीलीटर पानी ले और 6 ग्राम दालचीनी पाउडर डालकर 15 मिनट तक उबलते पानी में उसको गुनगुना होने पर छान कर उसमें 1 चम्मच शहद डालें और इसका सेवन दोस्तों सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले करें, आपको मोटापा कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है जो कि हमारे मोटापे को कम कर सकता है। लगभग 30 मिलीलीटर अदरक के रस में 2 चम्मच शहद डालें और उसको मिलाकर पिए। अदरक हमारी भूख को भी कम करता है और हमारी पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है, जिससे जिसका उपयोग दोस्तों सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले करें, आपको मोटापा कम करने में आपकी बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जिन जिन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी वो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें आपका मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप और कहीं भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए वो नई वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।